रुद्रप्रयाग के मदोला गांव में पांडव नृत्य का आयोजन चल रहा है। 15वें दिन पांडव देवता गंगा स्नान के लिए गए हैं। इस दौरान पांडवों ने हवन पूजन किया, साथ ही नदी तट पर भगवान नकुल ने अपने पितरों को पिंडदान किया और तर्पण भी दिया है। वहीं पांडव देवताओं ने कोटगी गांव के चंडिका मंदिर में नृत्य किया। यहां ग्रामीणों ने भेंट प्रसाद वितरित किया। इसके बाद पांडव भटवाड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पांडव देवों का भव्य स्वागत किया और देव भोज किया। वहीं पांडवों ने ग्रामीणों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पंच पांडवों में माता कुंती सबसे माद्री का सबसे प्रिय, और कुंती और माद्री जो है नकुल को मानते थे और नकुल के द्वारा ही अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है। गंगा स्नान का ये महत्व है कि महाभारत के युद्ध में जितनी वीरगति को प्राप्त हुए थे तो माद्री पुत्र जो नकुल है वो पिंडदान करता है और देव ऋषि और पितर तर्पण करता है और अपने अस्त्र शस्त्रों पे वो शक्ति चढ़ाता है, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और पितृ सदगति परलोक, उनके परलोक सुधारने के लिए नकुल द्वारा पिंडदान किया जाता है, इसका असली आशय यही है। परम सौभाग्य की बात है कि मुदला पांडव नृत्य हो रहा है जिसके तहत गंगा स्नान के लिए आए थे और उसके बाद सदा की भांति परंपरा को कायम करते हुए आज